वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। दिस वीडियो फॉर स्टैंडर्ड टू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 10 डे वन। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर में रहने की कोशिश कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अति आवश्यक कार्य से ही आप लोग बाहर निकल रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और इस वीडियो में चैप्टर 10 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों को पता है क्या? चैप्टर 10, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिएगा और बुक में देखिएगा, पहला ही उस पेज में लिखा हुआ है मनी। जो चैप्टर नंबर 10 है वो क्या है? मनी। बहुत अच्छा लगा होगा सुनके ना, मनी कितना इंटरेस्टिंग है। सुन के ये ऐसा चीज है ना, सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं। बच्चे रोते रहते हैं, 5 रुपया दे देते, देखते हैं वाह, हैप्पी हो जाता है, हैप्पी हो जाते हैं ना। पैसा, मनी, मनी मीन्स क्या? पैसा नहीं, क्या होगा? पैसा, रकम। तो मनी में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पैसे से रिलेटेड होगा और पैसे से रिलेटेड चीज हर एक लोग सुनना चाहता है कि भाई काम बोलो ना कैसा जिसमें पैसा हो, काम वैसा जिसमें पैसा हो। तो पैसे की बात आए बाबू तो लोग हर चीज भूल जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आज यही देखिएगा और मजा आएगा आप लोगों को मनी के बारे में पढ़ना। और मनी जो रिलेटेड है वह क्या चीज से रिलेटेड है, क्या चीज से रिलेटेड है बोलिएगा, फटाफट बोलिए, रुपी से, पैसे से। तो पैसे का स्पेलिंग क्या होता है? PAISE। और रुपी का स्पेलिंग क्या होता है? RUPEE। ये दोनों मजेदार वर्ड है। ये दोनों वर्ड का नाम सुन के ना, वर्ड को सुनकर ना लोग खुश हो जाता है। तो पैसे का स्पेलिंग किसने बच्चे को याद हुआ? PAISE। किस किस को याद हुआ? PAISE। और रुपी का किस किस को याद हो गया? थोड़ा सा हाथ उठा के बोलिएगा, रुपी का स्पेलिंग RUPEE। चलिए तो हम लोग इस वीडियो में यही सब समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अब नाम को अब हटा देते हैं और जो काम की बात है उसे ले आते हैं। काम की बात यह है कि रुपीज और पैसे में कुछ डिफरेंस समझिएगा। तो देखिए, रुपीज का एक सिंबल है बाबू, क्या है सिंबल? नहीं आता है ना देने, तो रॉ देख के ना ऐसे कट कर दीजिएगा, रुपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपीज। तो ध्यान रखिएगा, 1 रुपीज इक्वल टू क्या होता जानते हैं? किस किस को पता है बोले तो? रुपीज 1 इक्वल टू कितना हो जाते हैं? 100 पैसे होते हैं। किस चीज को याद हो गया, समझ में आ रहा है? 1 रुपीज में 100 पैसे। तो बताइए तो कि 2 रुपीज में क्या होगा? 200 पैसे। नहीं समझ में आ रहा है? 1 रुपीज में 100 पैसे, तो 2 रुपीज में 200 पैसे और 3 रुपीज में 300 पैसे। है ना समझदारी की बात? है ना आसान? आसान है ना? 4 रुपीज में देखे 100 से, ऐसा कीजिए ना, पैसे को ना है, पैसे को बोले तो पैसे को ना रुपीज में बदलने के लिए 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। याद हुआ? तो पैसे को रुपीज में बदलने के लिए, देखिए यहाँ पे तीर है, जा रहा है, देखिए जाने के लिए ना 100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 1 रुपीज में 100, 2 रुपीज में 200, 3 रुपीज में 300, 4 रुपीज में 400, 5 रुपीज में 500, 9 रुपीज में 900, 12 रुपीज में 1200। नहीं, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। नहीं बोले आप, क्या करना है? मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात और समझना है, रुपीज से बताए ना, ये तीर नहीं समझ रहा है, नहीं आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, इसको हटा दे क्या? चलिए आप लोग रिजल्ट ले लिए कि नहीं? रिजल्ट जरूर ले लीजिए, एग्जाम का रिजल्ट आप लोग के ऑफिस में अवेलेबल है और इस ऑफिस टाइम में आके ले लीजिए। देखिए, पैसे का बदलने थे क्या चीज में बोले तो, पैसे को जो कन्वर्ट किए रुपीज में, क्या चीज में? रुपीज में, रुपी में।
पैसे को जो रुपीज में चेंज किए तो क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई, बोले तो 100 से मल्टीप्लाई, और रुपीज को चेंज करना है, क्या करना है बोलिए, रुपीज को चेंज करना है पैसे में। ओ उल्टा हो गया, नहीं ये उल्टा हो गया, जो पैसे को रुपीज में चेंज करना हो, रुपीज को पैसे में तो 100 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, रुपीज को पैसे में, बोले तो रुपीज को पैसे में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, बोले ना हे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो शुरू में आप कहेगा कि उल्टा हो गया, उल्टा नहीं, फिर से समझ लीजिए, रुपीज को पैसे में बदलने के लिए 1 रुपीज में 100 पैसे, 2 रुपीज में 200 पैसे, तो रुपीज को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और पैसे को रुपीज में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया जाएगा, पैसे को रुपीज में बदल, बोले तो पैसे को रुपीज में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, और रुपीज को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ऐसे जैसे 300 पैसे है, इसको रुपीज में कैसे 100 से डिवाइड कीजिएगा, ये 2 जीरो से कैंसिल, क्या होगा 3 रुपीज, कितना रुपीज होगा 3 रुपीज। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर टुडे।